हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सारे ठीक होंगे। और हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी बारिश हो रही है। आपकी साइड बारिश हो रही है कि नहीं, मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग। और आप पीछे देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद पर देना ऐसे करके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम खराब हो चुका है। छुट्टी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि मैं अपनी कुकिंग वीडियोस कैसे बनाती हूं। तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा मेरे चैनल पे जाकर के कि मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ और किस तरह की क्वालिटी होती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप दोबारा से आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अभी चलते हैं हम अपने जो मेरी कुकिंग शूट का प्रोसेस है वो कैसे शूट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसेस करती हूँ। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही मैनेज कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अपनी जो भी रेसिपी मैंने बनानी होती है तो मैं हफ्ते में एक बार ही अपलोड कर पाती हूँ ड्यू टू स्टडीज़, और घर का काम भी होता है। तो उस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक वीडियो बनाती हूँ। तो मैं वो डिसाइड कर लेती हूँ कि जैसे मुझे कौन सी रेसिपी बनानी है, और बनाने से पहले मैं उसके इन्ग्रीडियंट्स चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। बनाने से पहले फिर वो सारी की सारी लिस्ट हम प्रिपेयर करके फिर उसके बाद जो है वो शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली मैं रात को ही शूट करती हूँ क्योंकि उसी टाइम पे फ्री होते हैं। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कभी भी कुकिंग वीडियो शूट करते हैं और आप वर्किंग है या आप ही ओनली पर्सन है जो घर पे काम करने वाले हैं, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। नहीं तो कई बार मैं पहले जब शूट करती थी तो मैं क्या करती थी कि जो रेसिपी हम बना रहे होते थे वही हमें उसी टाइम पे खानी होती थी, जैसे कि ब्रेकफास्ट में। तो शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है। अगर आपकी थोड़ी बड़ी रेसिपी है तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे विद प्रिपरेशन। मैं ये बता रही हूँ आपको, मतलब विद प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया इंग्रेडिएंट्स से और उनको अरेंज करते हुए और लास्ट तक जब तक आपने थंबनेल ना खींच लिया हो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि कुकिंग वीडियो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 4-5 घंटे आप शूट में दोगे, उसके बाद एडिटिंग, वॉइस ओवर, बहुत काम होता है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप कर जाएंगे। और फिर इंग्रेडिएंट्स के बाद मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप की मैं अकेले ही ये शूट कर लेती हूँ। तो शुरू शुरू में अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें कैमरा बहुत ज़्यादा शेकी होता था, मतलब कि हाथ से ऐसे हिल डुल होता था। तो मैं उस टाइम पे क्या करती थी कि एक हाथ में कैमरा पकड़ लेती थी, जितना पॉसिबल होता था उतना वैसे शूट कर लेती थी, और फिर अपने हस्बैंड को बोल देती थी या कोई भी जो अवेलेबल होता था उसको बोल देती थी कि थोड़ी देर के लिए आप कैमरा पकड़ो जहाँ पे मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत है रेसिपी के लिए। तो बहुत ही इनकन्वीनियंट तरीका था और उससे मैं बहुत टायर्ड भी हो जाती थी और फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी, क्योंकि आप अपना काम करोगे या उस पर फोकस करोगे। तो फिर मैंने अपने लिए एक ट्राईपॉड मंगवाया, बट क्योंकि हमारा किचन बहुत छोटा सा था तो वो ट्राईपॉड इतना बड़ा खुल जाता था और वो फिर मेरे काम का नहीं था। तो अभी जैसे जैसे मैं आगे आगे स्टेप्स बताऊंगी आपको, वैसे वैसे मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि मैं कौन से टूल्स यूज़ करती हूँ। और सब कुछ बहुत बजट फ्रेंडली है, बहुत कम सामान जो है मैं यूज़ करती हूँ। और अपना जो फ़ोन है मेरा नॉर्मल फ़ोन सैमसंग का, मैं उसी से शूट करती हूँ। और साथ के साथ लाइटिंग आपको मेन देखना पड़ता है कुकिंग वीडियोज़ में, तो लाइटिंग के लिए भी मैंने सिर्फ जुगाड़ ही किया हुआ है, क्योंकि हम अब यहाँ पे रेंटेड रूम में रहते हैं और जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स के लिए पैसे भी नहीं थे। अभी तो धीरे धीरे मैंने चीज़ें ऐड ऑन करना स्टार्ट की हैं, क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंस हो चुका है कि अब मैं ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगी, बेशक मैं हफ्ते में एक वीडियो ही क्यों ना डालूं, बट अगर मैं नहीं डालती हूं, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ छूट रहा है। तो ये अगर आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरा तो मेन रीज़न ये है कि मुझे हमेशा से ही कुकिंग पसंद थी और ब्लॉगिंग, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही जब भी कोई भी चीज़ करती हूँ ना, अकेले होती हूँ तो मैं हर चीज़ अपने आप को मन में एक्सप्लेन करती हूँ, वही चीज़ मैं ब्लॉगिंग के थ्रू करती हूँ। आगे पता नहीं, ये कोई नहीं बता सकता कि YouTube पे आप कितना सक्सेसफुल होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग डेली वीडियोस डालते हैं और कितने ही उसमें से सक्सेसफुल होते हैं आपको नहीं पता। बट अगर आपको आप उस चीज़ पे क्लियर हैं कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप अगर आपको 2 साल भी लग रहे हैं, 1 साल भी लग रहा है, तो आप कर जाएंगे। और अगर आप देखा देखी में या फिर जस्ट आपको लग रहा है कि YouTube से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसलिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो शायद आप बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी फील्ड चूज़ करें YouTube पे वो आपकी पसंदीदा हो, आपका पैशन हो, आपको वो चीज़ें करना पसंद हो, तभी आप उसको करें, क्योंकि तभी आप उसको कंटिन्यू रख पाएंगे। और टाइम बहुत आता है YouTube में, तो अगर आपके पास टाइम है
है तो आपको जरूर से YouTube वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है किसी का ये नहीं पता कि कब किसी का टाइम आ जाए और कब जो है आप का चैनल ग्रो कर जाए. तो अगर आप कंटिन्यू रहेंगे और थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते रहेंगे तो कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ करें. तो वही मेरा भी एक रीज़न है कि मैं यूट्यूब पर हूँ, जबकि आप देख सकते हैं कि मैं इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ और अभी तक मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं है. पर वही है कि मुझे पसंद है तो मैं कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड हो जाती हूँ या कुछ. हाँ, समटाइम्स आपको बुरा लगता है कि आप इतनी मेहनत डाल रहे हैं, इतना हार्डवर्क पुटिंग कर रहे हैं और उसका आपको कुछ भी नतीजा नहीं मिल रहा है, पर वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है. फिर आपको फिर से लगता है कि यार हम कुछ और करते हैं और वीडियोस अपलोड करते हैं, और नहीं है तो साथ के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे, और इंस्टेंट की आप जस्ट कंज्यूम करते रहें कंटेंट, आप थोड़ा सा क्रिएट भी करें. तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो के साथ, और एक वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे कैसे हम क्या क्या करते हैं. सो वेलकम टू पियोस कुक बुक. तो अभी देखो आप मेरे किचन में हो. तो हम रहते हैं रेंटेड अपार्टमेंट में और जो भी हमें गिवन है यही है. तो किचन हमारा काफ़ी खुला डुला है अभी, यहाँ पे ट्राईपॉड लगा सकते हैं, बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चूल्हा है और यही जगह है जहाँ पे मैं शूट करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियोस को. तो अभी आप देख सकते होंगे, जो अभी मैं ये आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा सिनारियो, ये है जब हमारे पास जो लाइट लगी हुई है वो. तो अगर आप इस लाइट में शूट करेंगे तो आपकी वीडियोस में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आने वाली, तो शेडो शेडो लाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, हल्का अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा. तो इस लाइट में अगर मैं शूट करूंगी तो वीडियोस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी. तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगी या मैं करती हूँ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो सबसे पहले हम लाइट का बंदोबस्त कर लेते हैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बंदोबस्त करती हूँ. तो ये हमने एक केबल सी बनवाई हुई है, मतलब ये तार ली हुई है हमने, एक साइड में इसमें प्लग है और दूसरी साइड इसमें ये होल्डर है. तो यहाँ पे जो है हम बल्ब लगाएंगे, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे. तो इस साइड से मैं प्लग से पहले इसको लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे मैं लाइट लगाती हूँ और कैसे शूट करती हूँ. तो अभी मैंने स्विच वाली साइड को लगा दिया है, मतलब प्लग में लगा दिया है. अब हम मैं देखूंगी यहाँ पे कि कहाँ जैसे मुझे चाहिए लाइट. तो अगर जब मैं रेसिपी मतलब बनाने लग जाती हूँ, जब तड़का वगैरह लगाती हूँ, तो मैं लाइट बिल्कुल एग्जैक्ट जो चूल्हा है, इस वाले चूल्हे पे मैं शूट करती हूँ मोस्टली, इसके एग्जैक्ट ऊपर लगाती हूँ. तो हमारा जो है एंटीक फ्लोर है, तो यहाँ पे एक चीज की दिक्कत ये होती है कि आप देख सकते हैं हर जगह टाइल लगी हुई है और फिर इसके साथ ही हमारा छत स्टार्ट हो जाता है. तो हमारे पास ऐसे कोई कील लगाने के लिए स्पेस नहीं है, तो हमने ऐसे ही टेम्परेरी बंदोबस्त किया है कि यहाँ पे एक कील लगाई हुई है. रेसिपी की प्रेपरेशन कर रही होती हूँ, जैसे कटिंग चॉपिंग जो भी मेरा होता है, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे लगाती हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो कील लगाई है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है. तो ये मेन रेसिपी के लिए है और ये हमारी प्रेपरेशन के लिए है. कटिंग करूंगी मैं, तो इसके लिए ये वाला एरिया है जहाँ पे मैं कटिंग करती हूँ. तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी पहले लाइट, तो यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ. और यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो लगाई है, सेलो टेप्स लगाई है ताकि ये होल्ड कर पाए अच्छे से, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ और ये बल्ब नीचे आके गिर गया है और होल्डर टूट गया है और बीच रेसिपी को रोक के फिर हमें इसको ठीक करना पड़ा हो. तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा लूंगी इस तरह से, और के इस तार को हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, और बल्ब लगाएंगे अब यहाँ पे. तो ये नॉर्मल एलईडी बल्ब है, इसको ही मैं लगाती हूँ यहाँ पे. और अब आप डिफरेंस चेक करना कि कितना डिफरेंस आपको इस वाले फोन में पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है सिर्फ एक लाइट को ऐड करने से. क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. तो अभी मैं इसको ऑन करूंगी, ये देखो डिफरेंस दिख रहा है. तो लाइट का सेटअप हो चुका है. अब आपको चाहिए एक ट्राईपॉड नहीं, ये मेरे पास सेल्फी स्टिक है, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे बेस्ट वर्क करती है. इसको आराम से जो है मैं इस सेल्फ पे प्लेस कर लेती हूँ और एडजस्ट कर लेती हूँ एंगल, ताकि जो मेरी इंग्रेडिएंट्स हैं उस पे फोकस रहे और जब मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ तब वहाँ पे फोकस रहे. तो एक चाहिए आपको फोन और एक चाहिए आपको ये सेल्फी स्टिक. तो ये रियलमी की सेल्फी स्टिक है और इसके साथ आपको ये भी आता है ब्लूटूथ, तो आप फोन से कनेक्ट भी कर सकते हैं, इसको रिमोट को इस तरह से निकाल भी सकते हैं. बट मेरे से ये गलती से तेल में गिर गया था तो अब ये चलता नहीं है.
बट वैसे काफी टाइम हो गया, ये बहुत अच्छा वर्क करता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगी, ताकि अगर आप लेना चाहें तो आप ये वाली सेल्फी स्टिक को ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी है और काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ अब, और ये अच्छे से वर्क करती है मेरे लिए। तो सेल्फी स्टिक और ये फोन, तो फोन कौन सा है, ये है सैमसंग F23। तो इससे मैं शूट करती हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि फोन को कैसे अटैच करना है। तो ये जो है ये वाला हिस्सा इसका, ये ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, तो आराम से आपको फोन को इस तरह से इसमें प्लेस करना है। तो कुकिंग वीडियो जो लॉन्ग फॉर्मेट की होती है वो 16:9 रेशियो की होती है, तो आपको लैंडस्केप मोड में इसको शूट करना होता है इस तरह से। तो अभी देखो फोन पे अटैच हो गया है। और दूसरी बात यह है कि जब आप सेल्फी स्टिक को यूज करते हैं ना, तो हमें अपोजिट साइड को फोन को लगाना होता है। देखो ये वाली स्क्रीन वाली साइड जो है ना मेरे सामने रहेगी, बट ये जो मुड़ने वाली साइड है वो इस साइड को रहेगी। अगर आप अपोजिट साइड को लगाएंगे ना, जैसे सेल्फी खींचने के लिए लगाते हैं फोन को, तो उस टाइम फिर आपका फोन इस तरह से मूव नहीं होगा प्रॉपरली, और फिर रेसिपी शूट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से मैं इसको फोन को अटैच कर लेती हूँ। ये अटैच हो गया है, अब आप आराम से इसको मूव कर पाएंगे ऐसे ऐसे। और अब मैं इसका एंगल सेट कर लूंगी, क्योंकि अभी मैं चॉपिंग तो नहीं, बट मैं इंग्रेडिएंट्स कैसे शो करती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो आपको बस कुछ नहीं है, आप इसको कैमरा को एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी देखो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया है, ट्राईपॉड को पूरी सेल्फ पे लगा लिया है, और साथ ही अब मैं स्क्रीन पे चेक करूँगी कि जो मैं एंगल दिखाना चाहती हूँ वही आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत अच्छे से हमारे जो प्याज टमाटर हरी मिर्च है वो दिखाई दे रही है। तो ये है मेरा इंग्रेडिएंट्स वाला एंगल, जहाँ पे मैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे देखो ऐसे कैमरा पे साथ साथ में चेक करती रहती हूँ यहाँ पे कि सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया मेरे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वाला एरिया। तो अभी लाइट भी देखो अच्छे से पड़ रही है, क्योंकि हमने लाइट लगाई है, तो डायरेक्टली यही लाइट जो है नीचे को आ रही है और अच्छे से जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया, अब मैं इसको मसाला प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, तो अभी मैं इसको मसाला प्रिपेयर कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसा जो है जब मैं तड़का लगाऊंगी इसको तब कैसी लाइट आती है। तो अभी आपने देखा कि इस साइड को जो है मैंने इंग्रेडिएंट्स मतलब कि अपने प्याज टमाटर जो भी मेरा चॉपिंग की चीजें होती है उस साइड को दिखाती हूँ, जो भी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। तो अभी क्या है कि मैं ये मसाला प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ में ही खाना भी बना रही हूँ। तो अभी मैं ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अभी जब हम शिफ्ट कर देंगे लाइट को, क्योंकि अभी हम तड़का लगाएंगे तो हमें लाइट को शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड को, तो फिर कैसा हमारे पास लाइट पड़ता है और किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से मैं कैमरा को एडजस्ट करूंगी, तो कितना दूर रखना है फोन को, कैसे हमें एडजस्ट करना है एंगल को, वो मैं आपके साथ दिखाऊंगी और शेयर करूंगी। तो मैं फटाफट से अपने जो मसाला है उसको तैयार कर लेती हूँ, प्याज टमाटर जो भी है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे हमारी ये जो लाइट यहाँ पे थी, अब इसको स्विच करके हम इस वाली कील पे लगाएंगे, तो फिर ये डायरेक्टली इसके नीचे आ जाएगी हमारी कढ़ाई। तो चलो मैं शिफ्ट कर लेती हूँ इसको फटाफट से। ये शिफ्ट हो चुकी है, अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम कैमरा सेटअप कर लेंगे और थोड़ा दूर रखेंगे इसको, क्योंकि एकदम पास में नहीं रखेंगे, तड़का लगाएंगे तो तेल उछल के आ सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जूम रखा है 1, तो आप 2 तक इसको ले जा सकते हैं। अभी का सा इसको एडजस्ट कर लूंगी आगे, तो कढ़ाई भी हमारी मतलब जो भी आपको चाहिए एंगल वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने ये एंगल रखा है, अभी आप देखो, तो ये एंगल जो होता है जब आपकी कढ़ाई पूरी दिख रही होती है, तो वहाँ पे फिर आप आराम से जो है जो भी आपकी रेसिपी होती है वो आराम से दिखती है, अच्छे से दिखती है, और फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। तो अभी आप देखना, जैसे अभी मैंने लाइट ऑन रखी है, तो अभी आप देखो कि किस तरह से आ रहा है कैमरा में, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लाइट पड़ रही है। और अभी मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ आपको, अभी ये देखो ये हमारी नेचुरल लाइट के साथ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर नेचुरल लाइट के साथ ये आपको दिखेगा तो कितना डल दिख रहा है, तो अभी लाइट ऑन करके कितना डिफरेंस आ जाता है। तो अभी आप कैमरे में अगर देखेंगे तो अभी आपकी अच्छे से लाइट जो है डल रही है,
कढ़ाई में और अच्छे से जो है कैप्चर हो रहा है। तो बस इसी तरह से आपको रेसिपी को शूट कर लेना है। तो मैं अभी ये जल्दी से बना लेती हूँ पनीर की सब्जी, और फिर मैं आपको सर्विंग का प्रोसेस दिखाऊंगी कि किस तरह से सर्विंग वाला जो पोर्शन है उसको मैं शूट करती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ इसको फटाफट, और फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे सर्विंग वाले पोर्शन पे। तो जैसे ही आपकी रेसिपी प्रिपेयर हो जाएगी उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है सर्विंग प्रोसेस। तो जो सर्विंग वाला प्रोसेस होता है वही मैं इंट्रो भी रखती हूँ वीडियो की, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उस केस में जैसे कुछ रेसिपीज में तो डायरेक्ट जो मेरे सेल्फ का कलर है वो ही अच्छे से सूट कर जाता है, तो मैं उसी को यूज़ कर लेती हूँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ये यूज़ करती हूँ, तो ये एक बैकड्रॉप टाइप है और ये अमेजोन से मैंने परचेज किया था। और दो चीज़ें हैं ये, मतलब दो कलर्स में है ये, एक ये ब्लैक वाला है एक वाइट वाला है, लेकिन मैंने कभी भी वाइट वाले को यूज़ नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही यूज़ करती हूँ। समटाइम्स इंट्रो जब देती हूँ, जब रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, उस टाइम भी पीछे इसको बिछा देती हूँ, और फिर ये उसके ऊपर जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना वो ऐसे उभर के दिखता है। तो लास्ट में जब भी मैं सर्व करती हूँ ना, तो 90% टाइम मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी लेंथ है इसकी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। वैसे ये अमेजोन से मैंने लिया है और ये मुझे पड़ा है अराउंड, दो लिए थे मैंने तो 800 रुपए के अराउंड, 850 के अराउंड ऐसे पड़े हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और ऑफ भी लगता रहता है इस पर, तो आप उस टाइम इसको देख सकते हैं। ये है इसकी लेंथ, इतना लंबा है ये, ये इतना लंबा है। तो जो सेल्फ है आपकी उस पर आराम से फिट आ जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मैं इसको फिट करती हूँ, और उसके बाद किस तरह से इस पर रेसिपी जो है उसको सर्व करती हूँ। तो चलो करते हैं इसको जल्दी से। अभी आप देख सकते हैं कि रेसिपी मेरी बन ही रही है, बट क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, हमें वीडियो एंड करनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि खाना भी खाना है हमने इसके बाद, इसलिए मैं इसको अब सर्व कर रही हूँ। तो अभी देखो इस तरह से जो ये हमारा जो मेरा ये वाला एरिया है ना, इसको मैं खाली रखती हूँ। तो अभी जैसे थोड़ा सा ना ये ब्लैक कलर है तो ये गंदा हो जाता है जल्दी, तो अभी ज़्यादा साफ नहीं, मैं इसको जल्दी थोड़ा सा साफ कर दूँगी। तो इस तरह से इसको साफ कर लेंगे पहले, और उसके बाद जैसे जो हमारी फ्रेम है वो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे कोई ऐसे फ्लावर पॉट या कुछ ऐसे रख देती हूँ, और जो भी हमारी सर्विंग प्लेट है जैसे मैं ये वाली यूज़ करूँगी, अगर इस तरह से आप फ्रेम को सेट कर सकते हैं या इस तरह से आप फ्रेम को सेट कर सकते हैं, तो ये फिर आपका बहुत अच्छे से आ जाता है। तो मैं अभी सर्व करके दिखाती हूँ, ये आप कैमरे की ये वाले फ़ोन की स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लाइट को शिफ्ट नहीं किया है, तो फ्लैश लाइट को ऑन कर लिया। यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पे आपको चेक कर लेना है कि आपकी फ्रेम आ क्या रही है। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट को प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया ये अपना फ्लावर, और इसके बाद फिर आप आराम से इसमें सर्व कर ले। तो भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है हमारी रेसिपी शोकेस हो रही है, जो फ्लावर है वो भी बिल्कुल अच्छे से इसके साथ जा रहा है। तो बस जैसे ही आपने रेसिपी को सर्व कर दिया, आपने उसके शॉर्ट्स ले लिए, उसके बाद आपका काम खत्म है। अब रेसिपी से रिलेटेड अब आपको लास्ट काम करना है थंबनेल लेना। तो उसके बाद आपके पास एक ही काम बचा है कि आप थंबनेल ले लें बहुत अच्छे अच्छे, और बस इतना ही। ऐसे ही मैं अपनी वीडियोस को शूट करती हूँ। तो गाइज ये था आज का वीडियो, और ऐसे मैं अपनी रेसिपीज को शूट करती हूँ। जितने भी मैंने यहाँ पे टूल्स यूज किए हैं, बेसिकली टूल्स में मैं सिर्फ एक ही चीज यूज करी हूँ, वो है सेल्फी स्टिक, जो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, और आप मेरे को जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके इससे हेल्प हुई कि नहीं हुई। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कि जो भी क्वेरी होगी उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। वैसे तो मैं अपने चैनल पे, ये मेरा ब्लॉग चैनल है, पर मुझे लगा कि शायद मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे। जैसे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी, और बहुत सारी वीडियोस मैं देखती थी कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वही है कि आप ट्राईपॉड यूज करो, आप लाइटिंग के लिए ये चीजें यूज करो, बट वो पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे केसेस में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और हो सकता है किसी और की भी
हेल्प हो जाए और हो सकता है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल हैप्पी हूज़ कुक बुक, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे मैंने अपने अदर चैनल्स में भी उसको ऐड किया हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए, व्लॉग्स को देखने के लिए, एंटरटेनिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मिलूंगी मैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।